विटामिन बी के बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में हैं। आज उनके कुछ बेनिफिट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जब भी हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, सप्लीमेंट्स की बात करते समय हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत कब पड़ती है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि वेगन डाइट फॉलो करते हैं, जिसके अंदर आप एनिमल प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं लेते हैं, ऐसे समय पे अगर आपको विटामिन बी की कमी हो रही है तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा, अगर आप ओल्ड एज में हैं, अगर आपकी एज जो है वो 60 अबव हो गई है, ऐसे समय पर विटामिन बी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। ऐसे समय में आपकी जो आते हैं वो विटामिन बी को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, ऐसे समय पर आपका विटामिन बी कम हो जाता है। ऐसे टाइम पर भी आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर हमें देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा विटामिन बी की जरूरत पड़ती है, फिटस की ग्रोथ के लिए, आपके हीमोग्लोबिन के लिए, आपके शरीर में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम जो ये सारे हैं वो विटामिन बी करता है। ऐसे समय पर भी आपको विटामिन बी की जरूरत पड़ सकती है, जो कि आपको सप्लीमेंट से लेना पड़ेगा। अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिंस ले रहे हैं जो कि शुगर के दौरान अक्सर ली जाती हैं, या फिर आपके आप बहुत ज़्यादा प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, इसका मतलब ये है कि आप अपने शरीर में एसिडिटी को कम करने के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे आपकी एसिडिटी थोड़ी कम हो जाए, ऐसे समय पर भी आपका विटामिन बी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ऐसा माना गया है कि 50% जो पेशेंट्स होते हैं या 50% जो लोग हैं, उनके शरीर में इतना एसिड बनता ही नहीं है कि विटामिन बी एब्जॉर्ब हो सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा एंटा एसिड या फिर एसिड को कम करने के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ खाते रहते हैं, और जिसकी वजह से आपका विटामिन बी कम हो जाता है। अगर हम डाइट चॉइसेस की बात करें तो आजकल बच्चे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से या फिर आलस की वजह से वो बहुत अच्छी डाइट नहीं लेते हैं। विटामिन बी वेजिटेरियन फूड में थोड़ा वैसे भी कम माना जाता है, और चूँकि हम अच्छी पत्तेदार सब्जियाँ और साथ में अच्छी फूड डाइट नहीं लेते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो ऐसे समय पर भी हमको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर अल्कोहल की बात की जाए, शराब पीने की वजह से भी आपके शरीर में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की कमी हो सकती है। कोई भी गलत आदत, स्मोकिंग आप कर रहे हैं, ड्रग एडिक्टेड हैं, या कुछ भी ऐसे ड्रग्स आप ले रहे हैं जिससे विटामिन भी आपके शरीर में कम हो रहा है, ऐसे समय पर भी आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब ऐसे टाइम पर अगर आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप कोई भी जो टैबलेट ले रहे हैं उसको एटलीस्ट 2 से 3 महीने कंटिन्यू कीजिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से। कोई भी अगर आपको ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको गैस रिलेटेड या गैस्ट्रिक या फिर पेट रिलेटेड कुछ तनाव रहते हैं, या फिर आपको क्रोन्स डिजीज़ जिसके अंदर आंतों के अंदर अल्सर बन जाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसके अंदर आंतों के अंदर आपको अल्सर्स बन जाते हैं, डायरिया, आपको बार बार लूज मोशंस की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे सभी समय पर आपके विटामिन बी कम हो जाते हैं और आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे समय पर अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट सप्लीमेंट्स का होता है वो ये होता है कि आपके शरीर में सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा आप ऐसा फील करते हैं कि हम हैप्पी नहीं हैं, हम थोड़ा सैड की तरफ जा रहे हैं और हमारे शरीर में पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे जो लक्षण आ रहे होते हैं, कन्फ्यूज़ आप फील करते हैं, थोड़ा परेशान रहते हैं, फटीग जिसे हम बोलते हैं, ऐसे लक्षण अगर आपको आते हैं तो सबसे पहले जब आप सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं तो आपको सबसे पहले ये लक्षण चले जाते हैं। विटामिन बी आपका मूड भी अच्छा करता है। जी हाँ, तो विटामिन बी की अगर कमी हो रही है तो आपके मूड डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कभी गुस्सा हो जाना, कभी शांत हो जाना, कभी इरिटेटेड रहना, कन्फ्यूज फील करना, कुछ भी काम करने का मन नहीं करना। अगर आप विटामिन बी के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें सबसे पहले जाती हैं। दूसरा,
अच्छा इफेक्ट आपको ये देखने को मिलता है कि आपकी फटीक जो है, मतलब आजकल आप महिलाओं में अक्सर हम देखते हैं कि क्रॉनिक फटीक सिंड्रोम नाम का एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अंदर महिलाएं अक्सर बहुत ज़्यादा थका महसूस करती हैं और वो देखती हैं कि वो कोई भी काम कर रही हैं तो उनसे वो काम नहीं हो पाता है, उतनी शरीर में जान की कमी लगती है। ऐसे समय में आपको विटामिन बी के सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। दूसरा, आपको न्यूरोपैथी अगर डेवलप हो रही है, मतलब आपके शरीर में एबनॉर्मल कोई भी सेंसेशंस, मतलब कोई भी अजीब तरह की सेंसेशन जो नॉर्मली आपको नहीं आती थी, कुछ अजीब महसूस हो रहा है कि हमारे शरीर में चल रहा है या हमारे शरीर में कुछ सूनापन जैसा लग रहा है, या ऐसा कुछ अगर आपको हाथ पैरों में लगता है, तो सबसे पहले जब आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ये लक्षण आपके चले जाते हैं। आपकी स्किन थोड़ा ग्लो करने लगती है। अगर आपको अनीमिया है, देखिए विटामिन बी की कमी की वजह से फॉलिक एसिड, जिसे हम बोल सकते हैं, अगर फॉलिक एसिड की आपके शरीर में कमी हो जाती है, उसकी वजह से आपके शरीर में जो आपका लाल कोशिकाएं हैं वो बहुत अच्छे से नहीं बन पाती हैं। और लाल कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि आपके शरीर में अच्छा ऑक्सीजन पहुँचाना। अगर फॉलिक एसिड की कमी की वजह से आपको अगर बहुत ज़्यादा अनीमिया के लक्षण, मतलब खून की कमी हो रही है और आपको उसकी वजह से लक्षण आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसे टाइम पर भी विटामिन बी के सप्लीमेंट्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा मददगार रहते हैं। एनर्जी की कमी, आपको इससे पूर्ति मिलती है, आपको एनर्जी की कमी फील ही नहीं होती है। ऐसे सभी लक्षण अगर आपको आ रहे हैं, या आपकी जो मैंने क्राइटेरिया आपको ऊपर बताया कि उन सब कंडीशंस में से आप एक हैं, ऐसे समय पर आपको विटामिन बी के सप्लीमेंट्स ले लेना चाहिए और ऐसे समय पर ये आपको यही बेनिफिट्स करेंगे। अंत में मैं यही बोलूँगी कि आप पहले कोशिश करिए कि आपकी जितनी भी कमी है आप उसे नेचुरल सोर्सेज से कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको कम से कम दवाइयों पर डिपेंडेंट रहना पड़े। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट है और आप चैनल में नए नए वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस ज़रूर देखिए। धन्यवाद।